हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेशन। अभी 21 तारीख से एक आईपीओ स्टार्ट हुआ था एसएमई कैटेगरी का, तो उसकी 25 तारीख मतलब या तो मंडे को लास्ट डेट इसकी, तो हम फाइनल डिसीजन देख लेते हैं यहाँ पे क्या करना चाहिए, भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, इसके सब्सक्रिप्शन कितना, डेटा कैसा सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये आईपीओ का नाम है हाई ग्रीन कार्बन एसएमई आईपीओ, तो इसका थोड़ा सा बेसिक एक बार देख लेते हैं डिटेल से गिरा। तो इसको एक लोट लगाने के लिए आपको इसमें यहाँ पे 1,20,000 रुपये की नीड होगी यहाँ पे, और एक लोट लगाने से सफिशियंट है, ज्यादा लगाने से मतलब नहीं इसमें ऐसे में मिलता नहीं, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है ऐसी कंडीशन में। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 100% है यहाँ पे, जब आईपीओ के बाद में यहाँ पे अप्रोक्स 72% यहाँ पे हो जाएगी। एनएससी एसएमई के लाएगा आईपीओ वाला, और आप देखो अगर मिलता है तो आपको 28 तारीख तक यहाँ पता पड़ जाएगा इसमें अनाउंसमेंट का, नहीं आता तो आपको 29 तारीख तक नेक्स्ट डे रिफंड यहाँ पे आ जाएगा इसमें ऐसी कंडीशन में। एक जो आईपीओ की प्राइस रखी गई रखेगी 71 रुपये से लेकर 75 रुपये तक, तो आपको हाईएस्ट अगर लगाना है यहाँ पे तो उसमें 75 रुपये की प्राइस पर लगाना, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, तो अगर मिलने के चांसेस होंगे तो इसी कंडीशन में होंगे। 71 अगर आप लगाते हैं तो इसमें मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है, उसमें वहां पे नहीं मिलेंगे इसी कंडीशन। और 1600 शेयर्स का एक लोट है, तो 1,20,000 रुपए का आ रहा है एक लोट ये। अब इसकी जीएमपी देख लेते हैं, उसके बाद सब्सक्रिप्शन देखेंगे कितने हुए इसमें। तो जीएमपी इसकी देखो सही चल रही है इसकी यहाँ पे 80% की, तो इसके हिसाब से हम ऑलरेडी प्लान कर सकते हैं लगाने के लिए, यहाँ पे कंडीशन अच्छी है इसमें 80% के हिसाब से लिस्टिंग में। एक ओटीसी का थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी होता है मार्केट के हिसाब से, तो फिर 50-60-70% एटलीस्ट देके ही जाएगा ये इस कंडीशन के हिसाब से। ऐसी कंडीशन में तो बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है तो कुछ अलग बात है, बाकी तो 50-60% 70% तो आराम से देगा ऐसी कंडीशन में, ये मिनिमम तो मतलब ये। बाकी अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका सब्सक्रिप्शन कितने हुए, तो वो डेटा देखते हैं यहाँ पे। रिटेल कैटेगरी का तो देखो ऑलरेडी फिल हो चुका है, फर्स्ट डे फिल हो गया था 21 तारीख को जब से स्टार्ट हुआ था, 11.5 गुना यहाँ पे बढ़ चुका था, अभी 36-37 गुना ऑलमोस्ट हो चुका है यहाँ पे। रिटेल कैटेगरी को 50% का रेशो रखा गया है, जैसे 100 शेयर होंगे तो 100 में से 50 रिटेल कैटेगरी में जाएंगे, बाकी एनआईए और फिर क्यूआईबी का। तो क्यूआईबी एनआईए का डेटा भी थोड़ा सा नॉर्मली कम रहता है फर्स्ट सेकंड डे में, लास्ट डे को ये लोग भरते हैं ज्यादातर। तो कल आप डेटेंगे तो देखेंगे तो डेटा काफी अच्छा है इनका, इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और रिटेल कैटेगरी तो भरेगी से लास्ट में भी भरेगी, बाकी ऑलरेडी तो फुल हो चुका है सब, तो डेटा वाइज भी सही है यहाँ पे, कोई ऐसा नेगेटिव कंडीशन दिख नहीं रही है यहाँ पे। फाइनेंशियल एक बार देख लेते हैं इसके, नेट प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, 3 साल का डेटा है तो ज्यादा कुछ बहुत बड़ा डेटा होता नहीं है, पर जितना दिख रहा है उसके हिसाब से सही डेटा है यहाँ पे। तो बाकी हमें अगर लिस्टिंग के पर्पज से करना है तो हम जीएमपी देख लेते हैं यहाँ पे, जीएमपी वाइज सही लग रहा है तो हम यहाँ पे भरने के लिए प्लान कर सकते हैं इसको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।